एक्चुअली सोनू जी के साथ ये मेरा एक्चुअली थर्ड प्रोजेक्ट है जिसको मैं इंटरेस्टिंग कैटेगरी में कहना चाहूँगा। पहला प्रोजेक्ट जो सबसे पहले हम लोगों ने 2006 में शायद किया था वो मन्ना दा साहब का जो लास्ट सॉन्ग था, मन्ना डे, द मन्ना डे साहब, मन्ना दादा का लास्ट सॉन्ग था उसमें। इट वॉज़ अ डुएट ऑफ दादा एंड सोनू जी। इट वॉज़ फॉर अ वेरी स्मॉल फेस्टिवल फिल्म एंड द फिल्म वॉज कॉल्ड उमर, एंड उसमें हम लोगों ने गाना किया था। क्योंकि कुछ ऐसा सिचुएशन था कि कुछ बुज़ुर्ग लोग थे और उनके एक पोते थे, तो पोते की वॉइस ऑफ कोर्स सोनू जी की थी और जो बुज़ुर्ग थे उसकी मन्ना दा की थी। तो देर वॉज़ अ रीज़न वाई आई चोज़ मन्ना दा टू सिंग दैट सॉन्ग। और फिर ऑफ कोर्स लास्ट ईयर हम लोगों ने जो कोलैबोरेट किया सब रब दे बंदे, जो कि इंडिया का पहला ट्रांसजेंडर बैंड था और जिसे विश्व में बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं, कांस में ग्रैंड प्री ग्लास लायन और अभी ग्लोबल म्यूज़िक अवार्ड में गोल्ड कैटेगरी में अवार्ड मिला है। ये दो के बाद लाइक वी ऑलवेज जस्ट स्ट्रक द राइट नोट कि वी शुड कीप डूइंग समथिंग एवरी ईयर। तो ये साल जब सचिन से मैं मिला और हम लोगों ने डिसाइड किया सचिन और हमने कि गाना करेंगे, तो हमें लगा कि वो गाना एक सोलो सचिन का सॉन्ग नहीं होना चाहिए, इट शुड बी अ डुएट, इट शुड बी अ कोलैबोरेशन। एंड विदाउट ब्लिंकिंग एन आईलिड सचिन एंड आई बोथ आई वी सेड कि सोनू एंड वी जस्ट यू नो हमारा वहाँ पर एकदम एक वी वर ऑन द सेम पेज बिटवीन सचिन मी एंड हिज होल फैमिली एंड एवरीबॉडी, एंड दैट्स हाउ द होल जर्नी बिगैन। एंड सोनू जी के साथ ये अच्छा होता है कि वेन एवर आई गो टू हिम विद द प्रोजेक्ट ऑफ दिस नेचर, वो बहुत सोचते नहीं हैं कि अरे हिजड़ों के साथ गाना कैसे होगा, ये तो हिजड़ा कम्युनिटी है, इनके साथ मैं खड़ा रहूँगा तो मेरी इमेज का क्या होगा। ऐसा नहीं है, दिल से लगा कि नहीं इस कम्युनिटी के लिए कोई कुछ नहीं करता है, बाकी सबके लिए कोई ना कोई कुछ ना कुछ करते हैं, बट इस कम्युनिटी के साथ किसी ने कभी कुछ नहीं किया। बट सोनू जी वॉज द फर्स्ट सेलिब्रिटी टू हैव द वेयर विथ ऑल इन हिम टू एक्चुअली से येस एंड स्टैंड। उसके बाद बहुत सारे सेलिब्रिटीज जुड़े बॉलीवुड के, शाहरुख खान साहब, ऋतिक ऋतिक रोशन डिड अ सॉन्ग, लॉट ऑफ पीपल केम, और अभी भी हम लोगों के पास फ़ोन आते हैं कि अगर आप पार्ट टू कर रहे हैं तो हमें किसी न किसी वे में जोड़िए, विच इज़ वेरी नाइस ऑफ पीपल। लेकिन द फर्स्ट पर्सन हु ऑलवेज टेक्स द कॉल इज़ द मैन हु टेक्स द रिस्क, एंड दैट्स वाई आई सल्यूट सोनू जी। ऑल्सो विद सचिन यू नो टू सिंग, बिकॉज सोनू जी ने मुझे ये भी नहीं पूछा कि हम क्या गा रहे हैं उसमें, कैसा है गाना, कुछ नहीं, बोले कब है रिकॉर्डिंग, क्या है, कि वी स्टार्ट टॉकिंग द म्यूज़िक यू नो। मुझे याद है सब रब्दे बंदे भी जब मैं लेके गया था तो उन्होंने कहा ठीक है ऑल दिस फाइन आई एम ऑन जस्ट प्ले मी द सॉन्ग, सो देन वी स्टार्टेड सेइंग ये स्कीम में करना है उस स्कीम में करना है। सो आई थिंक दैट्स द ब्यूटी एंड दैट्स वाई इट शोज रिजल्ट्स एंड दैट्स द फन ऑफ द प्रोसेस। सचिन को सुर में लाना मुश्किल तो नहीं था? ज़रा भी नहीं, क्योंकि हम सब के लिए बहुत ही प्लेजेंट सरप्राइज था कि जब वो माइक पे गए तो जो जो टेक कर रहे थे वो फर्स्ट टेक में था और सब अच्छा था। ये जैसे सोनू जी कहते हैं कि ऊपर वाला जब देता है किसी को एक फैकल्टी में तो उसकी छिड़क हर फैकल्टी में होती है, और ये हमने आंखों देखी आपको चीज़ है। देखा क्योंकि जब सोनू जी भी आए, जब हम उनको रिकॉर्ड कर रहे थे, तो ऑनेस्टली मैं भी थोड़ा नर्वस था कि इतने बड़े लेजेंड को जो कि ग्लोबल आइकॉन है, वर्ल्ड में सचिन तेंदुलकर उतना ही बड़ा नाम है जितना बड़ा इंडिया में है, सब क्रिकेट प्लेइंग नेशंस क्रेजी हैं उनके लिए, किसी ने कभी उनको एज एन ओपोनेंट नहीं देखा, एज अ स्ट्रॉन्ग प्लेयर देखा है। सो राज्यसभा एमपी हैं अभी, भारत रत्न है, तो यू नो वेन एवर यू आर डीलिंग विद समवन लाइक दैट यू नो यू ऑलवेज फील कि अरे यार यू नो कैसे हम गवाएंगे, कैसे उनको ना बोलेंगे कि नहीं ये ठीक नहीं है फिर से गाइए। तो लेकिन उस चीज़ तक की नौबत ही नहीं आई क्योंकि वो इतने अच्छे प्रिपेयर्ड होकर आए थे, क्योंकि हम उनके साथ रिहर्सल कर चुके थे और वो गाना सीख कर आए थे, कागज़ पन्ना उनके सामने नहीं था, गाए जा रहे थे वो। सो इट जस्ट शोड कि जो वो परफेक्शन होता है जो उनकी आर्ट ऑफ क्रिकेट में है, वो उस डिसिप्लिन को हर चीज़ में लेकर जाते हैं, बिकॉज दैट्स इन योर डीएनए। तो आई थिंक दैट रियली शोड इन द सॉन्ग। सोनू जी कैसा रहा एक्सपीरियंस सचिन जी के साथ, क्योंकि हमने जो विजुअल देखा वो बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग दिख रही थी। उत्साह एकदम दोनों के साथ बहुत मस्ती की हम लोगों ने, बहुत आराम से। मैं जैसे मैंने पहले कहा आपको कि वो रिजल्ट्स तो अच्छा होना चाहिए, पर उसके साथ जो प्रोसेस ऑफ द जर्नी जो है वो अच्छी ना हो तो फिर मज़ा नहीं आता। और हम लोग जब वहाँ पे गए तो मैंने इनको तभी कहा था कि जब मैं आ रहा हूँ, शायद रिपब्लिक डे को किया था ना, 26 जनवरी, उसी के आसपास कुछ टाइम उसके था शायद, आसपास के हाँ नाम था, 25 या ऐसे कुछ हाँ टाइम था। करेक्ट। तो हम लोगों ने तो ये कहते हैं कि आप आ जाओ तो हम लोग मिलके एक बार सचिन को हमारे सामने गवाएंगे भी, क्योंकि वो भी पहली बार गा रहे हैं तो वो भी थोड़ा हल्के से असमंजस में होंगे कि ठीक आएगा कि नहीं आएगा। जब मैं आया तो ऑलरेडी वो कर रहे थे काम, और आई वाज सरप्राइज कि वो एकदम सुर में
कर रहे थे बिना किसी पिच करेक्टर की इस्तेमाल के, सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल के। तो उसके बाद में जब मैंने भी अपना हिस्सा गा दिया तो वो बहुत अटेंटिवली देख रहे थे कि मैं कैसे गा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। वो उनकी वाइफ बैठी हुई थी। उसके बाद बीडी शूटिंग का टाइम आया तो उनको मैंने थोड़ा सा सहज किया, क्योंकि ही इज़ ऑब्वियसली थोड़े से शाय हैं, हालांकि इतने बड़े आइकॉन हैं, लेकिन फिर भी ही इज़ नॉट एन ओवर स्मार्ट पर्सन, डाउन टू अर्थ आदमी बहुत। तो जब वो परफॉर्म कर रहे थे, गा रहे थे और हमारे साथ में था, तो ही वॉज स्माइलिंग, बट मैंने पीछे से आके बोला मारा छक्का, ऐसे उन्होंने बोला पीछे से। तो कुछ समझ में आया कि ये तो मस्ती के मूड में पूरा। फिर ही वॉज स्टार्टेड कि या दैट्स राइट, जो भी पीछे से आते हैं, तो जो मैंने करा था फिर उन्होंने वो करना शुरू किया। एंड वो रिजल्ट आप देख रहे हैं कि हमने कितनी अच्छी कैमराट्री हमारी बहुत कमाल की थी। एंड द प्रोसेस वॉज प्रिटी गुड। और उसके बाद में हमने फोटो शूट किया, वो भी बड़े मज़ेदार रहा, अच्छा रहा। तब तक सचिन पूरे खुल चुके थे, नाचो 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 सारे क्रिकेट वाली बीट पे, दरा रत्ता, कई वर्ड्स इसमें, रा रा रत्ता, या दैट्स राइट, सचिन बोलता। मेनली गाना ऐसा है कि इट्स अ डांस ट्रैक, तो बिना बीट्स के और उसके आपको हल्का लगेगा। इट्स कॉल्ड लॉट्स ऑफ रैप पोर्शन, बिकॉज सचिन ने अपने सारे साथियों का नाम लिया है जिन्होंने उनके साथ में 6 वर्ल्ड कप्स में खेला है। सो वो भी एक ट्रिब्यूट है अपने दोस्तों के लिए। एंड मैं तो ये बोलता हूँ कि दिस इज एक्चुअली सचिन तेंदुलकर सॉन्ग, मैं तो उसमें सिर्फ फीचरिंग आर्टिस्ट हूँ। क्रिकेट वाली बीट पे हमने देखा कि अब जो है 10 मिलियन व्यूअर्स क्रॉस कर चुके, तो जब आप लोग इतने रियली अक्रॉस फेसबुक नेटिव एंड हिज ऐप, अच्छा जहाँ पहले एक्सक्लूसिव था, एंड यूट्यूब इज अबाउट 300, बट बाकी इट्स 10 मिलियन। या सोनू जी, क्या आप कुछ फील करते जब इस तरह से लोगों का भी रिस्पांस आता है, लोगों का प्यार आता है? अभी मैं एक्चुअली मैं वहाँ से अभी मैं हिमालय के नीचे एक जंगल था, मैं वहाँ से आ रहा हूँ, तो आप मेरे को टैन देख रहे होंगे। मैं वहाँ से जंगल से ट्रैकिंग करके आ रहा हूँ, और वहाँ पर भी जब मैं घूम रहा था, तो हम लोग एक बार वहाँ पे गए जंगल में सफारी के लिए गए थे। तो जो सफारी करा थे वो बोले सर आपका वो जो गाना है सचिन तेंदुलकर के साथ में, वो बड़ा अच्छा गाना है। तो वहाँ तक भी उस गाने की पहुँच है। मैं दिल्ली में भी था जब, वहाँ पे भी नैनीताल में था मैं कुछ टाइम के लिए, वहाँ पर भी लोग मुझे बोल रहे थे। तो इस गाने का जिक्र काफ़ी है और ये लोगों तक अंदर तक पहुंच चुका है। हम उसके बाद में अभी मिल रहे हैं, इसलिए मैं आपको बता भी रहा हूँ, उनसे भी दो बता रहा हूँ। दो आइकॉन्स हैं ना, अलग अलग फील के, और दोनों को एक साथ देखना, करेक्ट, दैट टू दैट काइंड ऑफ केमिस्ट्री, करेक्ट। फील्ड में तो साथ में नहीं खेलते, लेकिन यहाँ आपने छक्के छुड़ा दिए। थैंक यू थैंक यू थैंक्स।